स्वच्छ भारत अभियान के बाद भी गंदगी देखकर एक नेता को गुस्सा आ गया। उन्होंने विधायक, कलेक्टर, महापौर और नगर निगम आयुक्त तक से इस सब की लिखित शिकायत की और छठ घाट के काम को तेज कराने का आग्रह किया। बाढ़ की समस्याओं पर पार्षद प्रतिनिधि गौरी अर्जुन गुप्ता भड़क गए। बाढ़ में फैली गंदगी, साफ सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने सिंगरौली कलेक्टर, विधायक, निगम आयुक्त, महापौर को लिखित में शिकायत की। इसके बाद सिंगरौली विधायक ने संज्ञान लेते हुए वार्ड 41 गनियारी का भ्रमण किया और छठ घाट तालाब में चल रहे निर्माण कार्यों का समय पर निर्माण करने के लिए निर्देश दिए। आम आदमी की पार्टी की सरकार होने के कारण कोई भी काम नहीं हो रहा है। महापौर जी कभी बाढ़ में नहीं आती घूमने, यहाँ से उनको भी वोट मिला जितना हमको मिला है। आगे देखे क्या हालत है यहाँ की, न सफाई हो रहा है, न झाड़ू लग रहा है, न कचरा उठ रहा है। बाढ़ के लोग सुबह से लेकर शाम तक हम लोग गाली देते हैं, बोलते हैं क्या आप खाली वोट लेने आते हैं, महापौर जी वोट लेने भर आई हैं। तो ऐसी सरकार रहना न रहना कोई मतलब नहीं, वो महापौर जी चाहिए आगे देखे। हमारा यह नगर निगम क्षेत्र का 41 नंबर वार्ड और इसके साथ साथ सभी वार्ड जहां पर इस तरह की दिक्कतें हैं, आप देख रहे हैं यहां पर नाली नहीं हो रही है, सड़क में पानी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यह गंभीर विषय है। आने वाला त्यौहार छठ पूजा का भी है और हम सभी लोग रोज कहीं ना कहीं नए अलग अलग वार्डों में जाते हैं, वहाँ की समस्या को देखते हैं। यहाँ पर जो प्रवासी है वो काफ़ी परेशान है। पार्षद जी कल चिंता व्यक्त की, आज हम सभी लोग आए हैं, माननीय विधायक जी यहाँ पर। तो इस तरह की पानी और लोगों को मच्छर और इस तरह की दिक्कतें हैं, हम अधिकारियों के साथ इसका निराकरण कर रहे हैं कि ये पानी भरा हो यहाँ पर जो रास्ते में ना हो। और सबसे बड़ी बात कि शहर बढ़ रहा है, शहर में आबादी बढ़ रही है, घर बढ़ रहे हैं, इस तरह से जो यहाँ एक बड़े बजट की ज़रूरत है उस पर हम सभी लोग ध्यान दे रहे हैं। इस बड़ा बजट यहाँ नालियों के नाली बने, सड़क बने, जिससे कि लोगों को दिक्कतें। निश्चित रूप पार्षद जी ने का आरोप है कि महापौर को घूमना चाहिए, महापौर जी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही हैं और मॉनिटरिंग का उनका मेरन काउंसिल भी महिलाओं की काउंसिल है तो बहुत एक्टिव पर्सन लोग है नहीं, लेकिन अपने पार्षदों से आग्रह है कि आप लोग स्वयं अधिकारियों से मिलजुल करके काम को कराएं और हम त्योहार तक ठीक कर पाएं, ये हमारी अपेक्षा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।